हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में स्मॉल गार्डन में। फ्रेंड्स, ये जो आप पार्सल देख रहे हैं ये अमेजोन से आया है। इसे मैंने कुछ दिन पहले ही ऑर्डर किया था जो फाइनली आज मुझे मिल गया है। फ्रेंड्स, इस बॉक्स में जो है रेड बनाना प्लांट है जो ऑल सीजन का प्लांट है। फ्रेंड्स, इस बॉक्स को मैंने अभी तक खोला नहीं है तो मैं इस बॉक्स को आपके साथ अनबॉक्स करने जा रही हूँ और देखती हूँ कि जो प्लांट इसमें आया है वह किस स्थिति में है। तो फ्रेंड्स, इस बॉक्स को हमें केयरफुली ओपन करना है ताकि इसमें जो प्लांट आया है उससे कोई नुकसान ना पहुँचे। फ्रेंड्स, आप भी इस प्लांट को मंगवाना चाहते हैं तो मैंने इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चेक करके मंगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉक्स भी खुल चुका है और बनाना का जो प्लांट है उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। फ्रेंड्स, ये ऊपर के साइड से नहीं निकल पाया है तो इसे मैं साइड से डब्बा को कट करके निकालने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जो हमारा प्लांट है उसे कोई नुकसान ना पहुँचे और वो सेफली बाहर आ जाए। फ्रेंड्स, हमारा जो प्लांट है वह डब्बे से बाहर आ चुका है और आप जो है इसकी हालत देख सकते हैं। इसकी हालत जो है थोड़ी ख़राब है, पत्तियाँ भी जो है थोड़ी सी मुड़ गई हैं। तो खैर, चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा अगर हम केयर करेंगे तो ये आराम से ग्रो कर जाएगी। पॉट में जो अखबार और जो टेप लगा हुआ है उसे भी हम आराम से हटा लेंगे और देखेंगे कि उसमें सॉइल है कि नहीं। अगर सॉइल नहीं होगी तो फ्रेंड्स उसे हमें तुरंत ही किसी पॉट में ट्रांसप्लांट करना पड़ जाएगा, लेकिन इसमें तो सॉइल है तो इसलिए जो है हम इसे कुछ दिनों के लिए इसी में हम छोड़ देंगे। हालाँकि पॉट तो काफ़ी छोटा है पर फिर भी मैं इसे दो तीन पत्तियां आने तक मैं इसी छोटे से पॉट में रहने दूंगी। तो फ्रेंड्स, अब इसमें जो है थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे और इसे कुछ दिनों के लिए शेडी एरिया में रखेंगे ताकि इसकी हालत में जो है थोड़ा सा सुधार आ जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक सप्ताह बाद इसके ग्रोथ अपडेट को लेकर। फ्रेंड्स, आज 8 दिन हो चुके हैं और देखिए मेरा जो बनाना का प्लांट है उसका स्टेटस कुछ इस प्रकार से है। देखिए, इसकी जो पहली वाली जो पत्तियाँ थी वह सारी सूख चुकी है तो उसे मैंने जो है कट करके हटा दिया है और इसकी न्यू ग्रोथ जो है यहाँ से निकली है। ये दो पत्तियाँ भी है इसमें। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है इसे पानी डाल करके 2-3 दिन के लिए छाया में रखा था, उसके बाद जो है मैं इस जगह पर रख दी थी जहाँ पर कि सुबह का जो 2 घंटा का धूप आता है, तो मैं वहीं रखी हुई हूँ अभी तक। और फिलहाल अभी ये यहीं रहेगा जब तक कि थोड़ा सा और बड़ा नहीं हो जाता है, तब तक जो है मैं इसके लिए बड़ा वाला पॉट का इंतज़ाम कर लूँगी, तब इसका जो है मैं उसमें ट्रांसप्लांट कर दूँगी। तो फिलहाल फ्रेंड्स, इसका ग्रोथ तो आप देख ही रहे हैं, 8 दिनों में बहुत ही अच्छी है, ये आप देख ही रहे हैं। तो तब तक मैं इसे यहीं पर रहने दूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।